मुझे क्या बोलते हैं और प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया सर। ठीक है, तो हम लोग मदद करेंगे आपकी, ठीक है। सर हमें तो आप बहुत खुशी हो रही हमारी है सर। पार्टी के लोग बैठे हैं, वो मिलेंगे आके आपसे, मौलाना साहब हमारे एक हैं, मिलने आएंगे आपसे। सर आपसे मिलने की तमन्ना है जी। आप हमें छोड़िए, हमें पैसे वैसे ना दीजिए, आप मिल अरे लीजिए ना पैसे की पहले। बात नहीं है, लेकिन सम्मान होता है, वो पैसा थोड़ी होता है। तो सम्मान हमारा आपसे है सर। लखनऊ आ सकते हो कि दिल्ली में मिलोगे? क्यों, सर प्लीज, हम गरीबों को कहाँ गरीब क्या बात बुलाएंगे है? सर आप समझिए, आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। नहीं, वहां मत बुलाओ मुझे, तो सर हम वहां मत बुलाइए, मैं लखनऊ बुला लूंगा आपको, या दिल्ली मौका मिलेगा तो बुला लूंगा। तो सर लखनऊ बुला लीजिए ठीक है, लखनऊ बुला लो, ये ठीक है। उनको भी लेते आना जिन लड़कों ने बचाया है। सर, वही आएंगे, सब आएंगे। हम मैं अकेला तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा अच्छा ठीक है, तो मैं कितनी मदद कर दूं इन लोगों की पार्टी से? सर। आप बेहतर जानते हैं, मैं आपसे अगर उनकी हालत दिखाऊंगा, उनके घरों पे प्लास्टर नहीं है, किसी का अपना कोई किराए पे तो रहता हमारी सरकार नहीं, लेकिन फिर भी हम मदद करना चाहते है हैं। सर मुझे पता है आपने शुरुआत शुरुआत आपकी है यूपी हाँ में हाँ चमकाने ठीक है की। जी, नहीं हम करेंगे मदद, ठीक है, मैं अभी अनाउंस कर दूंगा, ठीक है ठीक अरे सर थैंक यू वेरी मच है सर। ठीक। हाँ नमस्कार, हाँ नमस्कार। सर 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 हेलो, कटिया रह आप कौन बात कर रहे हो? गया यार, अब यार रह लखनऊ, गया मुन्ना देख। लखनऊ। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। रेड माइन वर्कर्स के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 1-1 लाख रुपए की इनाम राशि की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वकील हसन, जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे मुन्ना कुरैशी के साथ, उनसे बातचीत की है। बातचीत की ऑडियो वीडियो वतन समाचार के पास मौजूद है, उसमें उन्होंने उन वर्करों को शाबाशी दी है और साथ ही उनसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिलने का वादा भी किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनसे कहा है कि वो इस हौसले की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य यानी उत्तराखंड की जो सरकार है और केंद्र की जो मोदी सरकार है, उनसे भी 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का मुतालबा किया है कि इनको 10-10 लाख रुपए इनाम दिया जाए। और साथ ही कई लोगों का ये भी कहना है कि इनकी पेंशन फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो हालत है वो बेहद जर्जर है, इनकी सूरत हाल बहुत खराब है। आइए सीधे देखते हैं क्या कुछ अखिलेश यादव ने उनसे बातचीत में कहा है। पेश है सीधे आपके लिए ये खास रिपोर्ट। मुझे क्या बोलते हैं और प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया सर। ठीक है, तो हम लोग मदद करेंगे आपकी, ठीक है। सर हमें तो बहुत आप खुशी हो रही हमारी है सर। पार्टी के लोग बैठे हैं, वो मिलेंगे आके आपसे, मौलाना साहब हमारे एक हैं, मिलने आएंगे सर आपसे मिलने की तमन्ना है जी। आप हमें छोड़िए, हमें पैसे वैसे ना दीजिए, आप मिल लीजिए अरे ना पैसे की बात पहले। नहीं है, लेकिन सम्मान होता है, वो पैसा थोड़ी होता है। सम्मान हमारा आपसे है सर। तो लखनऊ आ सकते हो कि दिल्ली में मिलोगे? क्यों, सर प्लीज, हम गरीबों को कहाँ बुलाएंगे सर। गरीब क्या बात है? सर आप समझिए, आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। नहीं, वहां मत बुलाओ मुझे, तो सर हम वहां मत बुलाइए, मैं लखनऊ बुला लूंगा आपको, या दिल्ली मौका मिलेगा तो बुला लूंगा। तो सर लखनऊ बुला लीजिए। ठीक है, लखनऊ बुला लो, ये ठीक है। उनको भी लेते आना जिन लड़कों ने बचाया है। सर वही आएंगे, सब आएंगे। हम मैं अकेला तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं कितनी मदद कर दूं इन लोगों की पार्टी से? सर आप बेहतर जानते हैं, मैं आपसे अगर उनकी हालत दिखाऊंगा, उनके घरों पे प्लास्टर नहीं है, किसी का अपना कोई किराए पे तो रहता हमारी सरकार नहीं, लेकिन फिर भी हम मदद करना चाहते है। हैं। सर मुझे पता है, आपने शुरुआत शुरुआत आपकी है यूपी हाँ में हाँ चमकाने ठीक है की। जी, नहीं हम करेंगे मदद, ठीक है, मैं अभी अनाउंस कर दूंगा, ठीक है ठीक अरे सर थैंक यू वेरी मच है सर। ठीक। हाँ नमस्कार, हाँ नमस्कार। सर 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 सर, सर। हेलो, कटिया आप कौन बात कर रहे हो? रह गया यार, अब यार लखनऊ, रह गया मुन्ना देख।